हाय हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे ओहो इयररिंग्स ये हमारी बर्थडे गर्ल आज अंजलि अंजलि ना हमको कितने 2 साल बाद दिख रही ना अच्छा लग रहा है मैं ही ले लेती इसको आज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे पहाड़ मेरे मुल्क में और अभी हम जा रहे हैं बर्थडे में इसके हाय का अंजलि हाय करना बर्थडे ये बर्थडे गर्ल है ये हमको घुमाने ले जा रही है आज और ये आज मोटे रकम लेके आई है कितने रुपए लेके आज तो पार्टी आज पार्टी होगी वहाँ पे छादा लेनी है अभी जो है ना हम जा रहे हैं शिव मंदिर तो चलते हैं शिव मंदिर की ओर पैदल यहाँ पे जय शिव शंकर पैदल चलते हैं क्योंकि जो है ना यहाँ पे जो है ना आधा रास्ता गाड़ी चलती है और हमारे पास खुद की गाड़ी तो है नहीं इसलिए हम जो पैदल मार्ग जा रहे हैं तो ज्यादा नहीं है थोड़ा दूर है तो चलते हैं शिव मंदिर की तरफ ले लो छाता ले लो किसको चाहिए रंग बिरंगी छाता अरे बोल यार मत बोल यार मैं तारी तो करो आदमी कैसे लग रही हमारा शिव मंदिर हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में 5 मिनट का रास्ता है थकान भरा ये रहा हमारा शिव मंदिर तो बहुत ही सुंदर है शिव मंदिर तो मैं आपको जो है ना यहाँ के बारे में बताती हूँ कि ये मंदिर जो है ना इतना ज़्यादा फेमस क्यों है और देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कलरिंग और ऊपर से त्रिशूल बना रखे कितना सुंदर दिख रहा है तो दोस्तों ये जो है ना देहरादून से जो है ना 12 किलोमीटर की दूरी पर है मसूरी वाले रूट पर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये जो है ना पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है इसकी लोकेशन अगर ऊपर से देखोगे ना बहुत ही सुंदर नज़ारा है का। तो इस मंदिर का जो नाम है ना प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं इसको और शॉर्ट में जो है ना हम शिव मंदिर कहते हैं यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ मंदिर के ऊपर जो है 150 त्रिशूल बनाए हुए हैं गाइस यहाँ पे जो है ना व्हाइट कलर का शिवलिंग है जो कि आपने बहुत कम देखा होगा दोस्तों अब बारी आती है कि ये मंदिर फेमस क्यों है तो ये जो मंदिर जो है ना फेमस इसीलिए है क्योंकि ये मंदिर चुने गिने जैन मंदिरों में आता है जो कि दान को स्वीकार नहीं करता मतलब पैसे वगैरह यहाँ चढ़ाए नहीं जाते हैं बस जाओ दर्शन करो और माथम लाओ और यहाँ पे जो है ना भंडारा वगैरह भी लगता है 24 घंटे लगता है चाय मिलती है और खाने पीने के लिए मिलता है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर आप लोग भी आइए और बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ऊपर से लोकेशन जो है ना बहुत ही प्यारी है जो है ना दर्शन कर लिए हैं और अब जो है ना हम प्रस्थान करें नीचे के लिए बस थोड़ा दर्शन करने थे क्योंकि इसका बर्थडे था तो अब जो है ना खूब खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे पार्टी करनी है भाई और वहाँ पे अब जो है ना हम आपको अच्छी सी लोकेशन दिखाएंगे यहाँ की बहुत अच्छा व्यू है थोड़ी दूर में अच्छा व्यू है तो दोस्तों सामने पे नज़ारा देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है लेकिन मैं थोड़ा नीचे हो गई इसीलिए यहाँ से कुछ साफ नहीं दिख रहा है अगर मैं थोड़ा शिव मंदिर से थोड़ा ऊपर जाती मैं तो यहाँ का जो है ना लोकेशन बहुत ही सुंदर दिखती लेकिन जो मैं ऊपर जाने जो है ना इसमें खाने के लिए क्या मंगा रखा है मैगी मोमो और मैगी अभी पूरे नहीं पलटे हैं अभी बहुत से कुछ खाएंगे कितना खाएंगे अभी
जितना मन करे यहाँ पे उतना ही खाएंगे। नीचे जाए ना अभी कुछ नहीं, घंटाघर जाएंगे वहाँ खाएंगे, वहाँ मजे, वहाँ लूटेंगे हम इसको खूब सारा। आज तो लूटा बनता है, केक भी तो काटना है अभी। हाँ केक भी तो काटना है, केक काटा ही नहीं है वो, तो घंटाघर घंटाघर में गानी पार में केक काटेंगे। हमारी जो है ना टेस्टी मैगी जो है ना आ चुकी है यहाँ पे, दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही, तो हम जो है ना इसको खाते हैं अब। मैगी वगैरह खा ली है, मोमोज, तो अब जो है ना हम घंटाघर की तरफ जा रहे हैं और मौसम भी कुछ ख़राब हो रहा है, अभी बारिश आ सकती है, तो हम जो है ना घंटाघर पे केक वगैरह काटेंगे क्योंकि इधर कुछ शॉप वगैरह थी नहीं, तो अब सीधे मिलते हैं घंटाघर में। इंतजार करते हुए तीन मूर्तियाँ, ये है प्रियंका, ये है आरती जिसकी शादी में हम आए थे, परेशान हो गए, और ये हमारी बर्थडे गर्ल अंजलि। डोसो वाले और हम हैं बर्गर वाले। पिज्जा आ रहा है वाले, चार खाएंगे तुमने? इतने पूछने वाली है आरती तू से। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, ठीक है चल बाय। जो ना अभी रूम पे आ चुकी हूँ, तो हमने जो है काफी अच्छे तरीके से अंजलि का बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट किया, लेकिन जो है ना अंजलि को जल्दी जाना पड़ा घर, तो जो उसका जो खाना वगैरह था ना वो सब मम्मी ने खाया, ठूस दिया सारा पेट भर के, तो काफी अच्छा लगा। और जो है ना शाम को वापस आते टाइम पे ना बारिश भी लग गई थी, काफी तेज बारिश हुई, तो हम मजे पे बैठे हुए थे, थोड़ा बातें की, फिर केक को काटा, खाए पिया और फिर वापस जो है ना अपने रूम पे पहुंच गए थे। तो आज के ब्लॉग का जो है ना हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।